आज की रेसिपी है पकौड़ा। पकौड़े में जो जो डला है वो हम आपको लोगों को बताएंगे। तो ये बहुत मज़े के बनने वाले हैं, सब बनाते हैं, लेकिन मैंने दो चीज़ से बनाया है। इसमें सिर्फ मैंने ओनियन यानी कि प्याज और आलू डाले हैं और मसाले डाले हैं। ये डालने से ये बहुत मज़े के बने हैं। पकौड़ा तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे बनते हैं, सब बनाते हैं, अपने अपने मसाले डालते हैं, लेकिन मैंने जो डाले हैं आज वो देखें कि मैंने किस तरीके से बनाया है। तो चलें फिर इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और बनाते हैं, मेरे साथ ही रहें हमारे किचन में। चले चलते हैं किचन में और देखते हैं कि हम इसमें कौन कौन सा मसाला डालेंगे, मेरे साथ रहिएगा। चलते हैं किचन में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलें रेसिपी बनाते हैं। ले लिया है एक प्याज, तीन चार आलू लिए, इनको बारीक बारीक लंबे काट लिए हैं, और इसमें बेसन डलेगा। हाँ, मैंने बेसन ये के इतने तीन ली लिए थे आलू, इनको मैंने अच्छी तरह कट करके धो के साफ करके रख लिया है। तीन चार मैंने सब्ज़ मिर्चें काटी हैं, एक प्याज, ये वाला प्याज काट लिया है, एक ये धनिया पाउडर है, कूटा हुआ धनिया है, पाउडर तो इतना नहीं, दड़ा मिर्च, नमक, बेसन भी लिया है। तो सबसे पहले मैं डालूंगी आलू जो धो के रखे हैं, प्याज कटा हुआ, नमक 1 टेबल स्पून, दड़ा मिर्च 1 टेबल स्पून, लंबा लंबा हमने बारीक नहीं काटा, करके तो चुटकी भर मैंने इसमें लाल मिर्च भी डाला है। तो मसाला हमारा तैयार हो गया है, अब बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने ओवन रख लिया है, चूल्हा ऑन कर दिया है, अब इसको गर्म होने दे करते हैं। तेल गर्म हो गया, पहले मैं ये थोड़ा सा डाल के देखती हूँ। बिस्मिल्लाह। अगर आपने क्रिस्पी बनाने हैं तो फिर जो मैदा है ना इसको ज़्यादा नरम नहीं करना। माशाल्लाह से हमारा एक परागा बन गया। इसी तरह हम सारे डालते जाएंगे, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। पकौड़े हमारे तैयार हो गए माशाल्लाह से। बस ये मेरा आखिरी